Hey there, this is CodeCat15 और आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में. सो लेट्स बिगिन. सो एज ऑफ नाउ मेरे पास एक क्लास है विच इज कार और कार की कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज मैंने नोट डाउन की हुई है. जैसे स्टार्ट स्टॉप इंजन अप्लाई ब्रेक्स इंक्रीज एंड डिक्रीज स्पीड. नाउ एट द बॉटम आई हैव वन मोर क्लास विच इज adhere जहाँ पे मैं इनहेरिटेंस यूज कर रहा हूँ एंड आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ adhere एंड आई एम सेइंग स्टार्ट इंजन एंड व्हेन आई डू दिस इट्स एज स्टार्ट द इंजन. और स्टार्ट द इंजन कहाँ से आ रहा है? आपके बेस क्लास से आ रहा है. नाउ वी ऑल नो दैट adhere इज नॉट अ नॉर्मल कार, इट्स अ हाई एंड कार. सो हाई एंड कार का हाई एंड इंजन होता है और हाई एंड इंजन की अपनी फंक्शनैलिटीज होती है. तो इसका मतलब ये है कि आपने जो कुछ भी कोडिंग लॉजिक यहाँ पर लिखा है वो किसी काम का नहीं है. सो मुझे मेरे चाइल्ड क्लास में मेरे बेस क्लास का जो फंक्शनैलिटी है स्टार्ट कार का उसको ओवरराइड करना पड़ेगा. सो वट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज द ओवरराइड कीवर्ड एंड आई एम गोइंग टू से मुझे स्टार्ट इंजन जो है उसको चेंज करना है. सो लेट्स यू एड योर कोड ओवर हियर एंड यू से इंजन स्टार्टेड फॉर adhere8 एंड नाउ व्हेन आई रन दिस स्विफ्ट जो है ये फंक्शन को कॉल करता है, बेस क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं करता है. राइट नाउ अकॉर्डिंगली क्योंकि adhere8 एक हाई एंड कार है तो ऑफकोर्स उसका स्टॉप इंजन अप्लाई ब्रेक्स इंक्रीज डिक्रीज स्पीड उसको वो सारे मेथड्स को आपको ओवरराइड करना पड़ेगा. राइट इसका मतलब है कि जो बेस क्लास है मेरा उसमें जो भी फंक्शन लिखा हुआ है वो मेरे किसी काम का ही नहीं है. बट स्टिल यू आर यूजिंग इनहेरिटेंस एंड यू आर ओवरराइडिंग इट एंड दैट्स फाइन, दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट. नाउ फॉर सम रीज़न लेट से आपका जो डेवलपर है वो ये डिसाइड करता है कि मेरा जो स्टार्ट इंजन है जो कार है वो इसी तरीके से स्टार्ट होगा और किसी भी तरीके से स्टार्ट नहीं होगा. सो वट ही डज इज ही एड्स अ फाइनल कीवर्ड एंड द रोल ऑफ फाइनल कीवर्ड इज कि जो स्टार्ट इंजन है ये कॉन्क्रीट है, ये ऐसा ही होगा, इसको कोई भी चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकता है. एंड व्हेन एंड वंस ही डज दैट यू विल गेट एन एरर ओवर हियर कि भाई आप एक ऐसे फंक्शन को ओवरराइड करने जा रहे हो जो फाइनल है. सो आप बोलोगे कि ठीक है मैं ओवरराइड नहीं करता हूँ. अभी भी आपको एक एरर आएगा बिकॉज जो स्टार्ट इंजन है आप इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो और स्टार्ट इंजन जो फंक्शन है वो ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है. सो यू विल से ठीक है मैं वो भी नहीं करता हूँ एंड देन द एरर्स आर गॉन. आप रन कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट द इंजन ऑफ adhere8 एंड दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग दिस. बट देर इज अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ये है कि अभी जो adhere8 है वो कुछ डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है. व्हेन आई से डिसिप्लिन फॉलो करना व्हाट आई मीन इज लेट से लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट से आपको चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए आप क्या डिसिप्लिन फॉलो करते हो? आप एक यू नो लाइक यू टेक अ पॉट, आप उसमें दूध चाय पत्ती शक्कर यू नो लाइक जिंजर डालते हो एंड देन यू ऑल्सो सी कि आपको कितने इंसान के लिए चाय बनाना है. आपको एक एक आदमी के लिए बनाना है, दो आदमी के लिए बनाना है एंड अकॉर्डिंगली आप कॉन्टेंट डालते हो उसके अंदर और एट द एंड ऑफ द डे यू गेट अ टी. नाउ लेट्स से वो जो प्रोसेस था चाय बनाने का उसमें से अगर आप एक भी प्रोसेस निकाल देते हो, लेट से आपको आपने शक्कर नहीं डाला तो उस वक्त क्या होगा? चाय अच्छी नहीं बनेगी. राइट सो उसी तरीके से अगर आप कोई भी एक चीज़ फॉलो नहीं करते हो, कोई भी एक डिसिप्लिन मिस कर जाते हो तो यू डोंट हैव अ कार. सो इन प्रोग्रामिंग प्रोटोकॉल्स हेल्प यू टू एनफोर्स दैट डिसिप्लिन. प्रोटोकॉल क्या बोलता है कि ठीक है आप मुझे एक सेट ऑफ डिसिप्लिन दे दो एंड जिस किसी भी क्लास के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करो के मुझे, मैं मेक श्योर करूँगा कि वो सारे डिसिप्लिन फॉलो हो रहे हैं. सो वट डज दैट मीन? दैट मीन्स इज इफ यू हैव अ प्रोटोकॉल ऑफ कार. नाउ इट्स गोइंग टू कंप्लेन बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ क्लास कार ओवर हियर. सो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ. And now, what I'll say is, I'll say function start engine, function stop the engine, function apply brakes, function increase speed, function decrease the speed, and that's it. And now what I'm going to do is, I'm going to say कि hey adhere8 your आप एक discipline enforce करोगे which is of car and you'll have all of these methods. Let me get rid of this. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो सारे के सारे जो functions हैं वो enforce हो गए हैं. जैसे start engine, stop engine, apply brakes. And now I can say that yes, since adhere8 ये सारे डिसिप्लिन्स को फॉलो कर रहा है, आई हैव अ कार. नाउ दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर adhere8, लेकिन अगर मैं कोई एक स्पोर्ट्स कार बनाता हूँ जैसे adhere8 GTR है या फिर कोई इलेक्ट्रिक कार बनाता हूँ जैसे adhere e-tron है,
राइट, तो उसमें भी ये सारे जो डिसिप्लिन है वो फॉलो होंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव अ कार विच फॉलोज ऑल दिस बेसिक डिसिप्लिन, राइट. नाउ यू कैन एड योर ओन कोड ओवर हियर एंड दैट्स फाइन, दैट्स वन वे ऑफ हैविंग एन ऑडी आरेट सेल्फ वर्जन. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है कार, यहाँ पे कुछ मैंने डिसिप्लिन लिखे हैं. नॉर्मली दिस इज अ डेमो और ये चीज़ दिखा के मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ चीज़ों को, बट आई वांट टू शेयर अ टिप विद यू. इस तरीके से कभी मत करना चीज़ों को, बिकॉज यहाँ पे हुआ क्या है कि लट से आपकी कंपनी डिसाइड करती है कि नहीं हमें और चार पांच चीज़ें ऐड करनी है एज अ डिसिप्लिन, तो होगा क्या कि ये जो प्रोटोकॉल है ये बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगा. नाउ आई विल गेट एन एरर बिकॉज आई एम कॉपी पेस्टिंग. ये कुछ इस तरीके से दिखेगा एंड दिस इज़ सो बैड. सो क्या करना चाहिए, इसको स्प्लिट करते हैं. चलो सो लेट्स हैव एन इंजन प्रोटोकॉल एंड वॉट इट विल डू इज इट विल ओनली हैव स्टार्ट इंजन स्टॉप इंजन. लेट्स हैव अ स्पीड कंट्रोल. The speed control protocol can have increase and decrease speed. And probably let's also have a safety protocol. क्योंकि जितनी भी cars है वो उनमें airbags होता है, वो urgent brakes होते हैं. Right. So I would say function release airbags and function you'd say apply urgent brakes. Right, and I would just get rid of this for a moment. मैं सब निकाल देता हूँ. And what I'll do is like मेरा जो car protocol है उसमें मैं inherit करूँगा मेरे बाकी के protocols को. So I would say my car has an engine, my car has a speed control mechanism, and my car has a safety mechanism. और यहाँ पे अगर आपको कुछ और disciplines add करना है तो आप add कर सकते हो. यहाँ पे फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ एक ही discipline रखा है, which is apply brakes. Now I'll click this and I'll say fix. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने वो सारे के सारे जो disciplines है वो enforce कर दिए, which is apply brakes, start stop engine, increase speed, decrease speed, release airbags and apply urgent brakes. Now let's say if your company decides कि नहीं speed control के लिए हमको और तीन या चार disciplines enforce करने, तो उस case में क्या होगा ना, आपका आपका जो car protocol है वहाँ पे आप वो discipline add नहीं करोगे, आप speed control में add करोगे. लेट्स से इंजन के लिए आपकी कंपनी ने डिसाइड किया कि नहीं हमें कुछ और सेट ऑफ डिसिप्लिन इन्फोर्स करने हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप कार में वो डिसिप्लिन ऐड नहीं करके आप इंजन में वो डिसिप्लिन ऐड करोगे. द रीज़न इज योर कार इज़ ऑलरेडी इनहेरिटिंग इंजन एंड बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई भी क्लास को कार प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करोगे बाय डिफॉल्ट उसमें वो फंक्शनैलिटी ऐड आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू दैट दिस इज न्यू इंजन function, you save this, यहाँ पे आपको error आएगा, you fix this and you can see this is the new engine function, right. So the advantage of this is of doing things like this is आपका जो code है वो clean रहता है, आपको exactly पता रहता है कि आपको कहाँ पे changes करना है. So this is more or less a way of doing decoupling. Now, if you want to do testing, testing के लिए मैं एक अलग से, मैंने already जो मेरा पहला वीडियो था वो testing के ऊपर ही था, but I will show you कि protocol से आप test cases किस तरीके से लिख सकते हो, and probably that is when I'll, जब मैं मेरे iOS के videos create करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि how easy it is to do test-driven development with the help of protocols, right? So, this was the session on, okay, let's see, यहाँ पे क्या है? Fix. Oh, that was the new engine function. Okay. So this was the video on protocol oriented programming. यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि classes में हम you can do everything with classes, लेकिन उस classes में problem क्या है, protocols क्यों implement करने चाहिए, और यहाँ पे हमें advantage क्या मिलता है protocols का, क्योंकि अभी मेरे पास एक high end car है, अगर मैं sports car बनाता हूँ तो भी वो ये सारे disciplines follow करेगा and it can remain the same. And this holds true for whatever you're doing in programming. आप कभी भी आपका जो project है उसके ऊपर कोई भी functionality के ऊपर काम कर रहे हो, you see that कि okay ये जो functionality है ये क्या क्या discipline enforce करेगी. You declare a protocol, you add those disciplines, और ऐसा नहीं है कि आप एक ही protocol में वो सारे के सारे disciplines add कर रहे हो. अगर आप उसको separate out कर सकते हो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया कि car
हैविंग जस्ट वन डिसिप्लिन, और फिर उसके बाद इंजन है, स्पीड कंट्रोल है, सेफ्टी है. और ये चीज़ क्यों करनी चाहिए मैंने आपको वो भी बताया, ताकि आपका कोड एकदम क्लीन रहे. अगर कोई नया डिसिप्लिन ऐड होता है तो आप अकॉर्डिंगली उसको अपनी जगह पे ऐड कर सकते हो. अगर स्पीड कंट्रोल के लिए कुछ ऐड होता है तो यू कैन ऐड अ न्यू फंक्शन फॉर स्पीड कंट्रोल. अगर इंजन के लिए कुछ ऐड होता है तो यू कैन ऐड ए न्यू फंक्शन फॉर द इंजन, राइट? सो दिस इज द ब्यूटी एंड द पावर ऑफ अ प्रोटोकॉल. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ नाइस डे. हैप्पी आई कोडिंग. बाय बाय.